जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आमजन का क्या हो। कुछ ऐसी तस्वीर राजसमंद जिले में देखने को मिली जहां सरकार से मोटी तनख्वाह उठाने वाले सरकारी कार्मिक ही गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। जब सरकारी कर्मचारी ही गरीबों के हक पर डाका डालने लगे तो सरकारी योजनाएं मर जाती हैं। राजसमंद में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पटवारी, कांस्टेबल से लेकर मंत्रालयिक कर्मचारी गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। सरकार से मोटी तनख्वाह लेने वाले इन सरकारी कर्मचारियों ने खुद को असहाय और गरीब बताकर खाद्य सुरक्षा सूची में अपने नाम जुड़वा लिए और गरीबों के हक का गेहूँ डकार गए। इसके अलावा भामाशाह योजना के तहत निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज और महंगे ऑपरेशन करवाकर सरकार के बजट को चूना लगा दिया। राजसमंद जिले में 733 कर्मचारी चिन्हित हुए थे जिन पर वसूली होनी थी, उसमें जिला रसद कार्यालय और एसडीओ के लेवल से कर्मचारियों के वसूली की गई है। उसमें से 578 नामों जिलों की तो वसूली की जा चुकी है, जो कुल उनकी राशि 95 लाख करीब बनती थी, इसमें से 74 लाख वसूल कर लिए गए हैं। राज्य सरकार के गोपनीय सर्वे में इसका खुलासा हुआ है कि अकेले राजसमंद जिले में 733 सरकारी कर्मिकों ने फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाकर गरीबों के हक का गेहूं लिया। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने सभी सरकारी कर्मिकों को नोटिस जारी करते हुए 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गरीबों के गेहूं की वसूली के आदेश दिए हैं। रसद विभाग ने अब तक 578 सरकारी कर्मिकों से 74 लाख रुपए वसूल कर चुका है। इसके अलावा 155 सरकारी कर्मिक अभी भी गरीबों का गेहूं लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं, जिनसे करीब 21 लाख रुपए से ज्यादा रुपए की वसूली बकाया चल रही है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि सरकारी कर्मिक से वसूली की स्थिति फिलहाल क्या है। आमेट ब्लॉक में 53 दोषी थे जिसमें 53 से वसूली की जा चुकी है, यानी किसी का कोई बकाया नहीं है। भीम की बात करें तो 144 दोषी थे जिसमें 143 सरकारी कर्मिक से वसूली हो चुकी है, यानी यहाँ सिर्फ एक सरकारी कर्मिक से वसूली होनी बाकी है। देवगढ़ की बात करें तो 45 दोषी थे जिसमें 19 से वसूली की जा चुकी है, यानी सिर्फ 26 बकाया है। कुंभलगढ़ में 33 दोषी थे जिसमें 7 सरकारी कर्मिक से वसूली की जा चुकी है, जबकि 26 सरकारी कर्मिक से वसूली अभी की जानी है। रेल मगरा में 66 दोषी थे जिसमें 53 लोगों से वसूली की जा चुकी है, जबकि 13 बकाया चल रहा है। राजसमंद में बात करें तो 188 दोषी थे जिसमें 186 कर्मिक से वसूली की जा चुकी है, जबकि 2 सरकारी कर्मिक से वसूली होनी अभी बाकी है। 204 दोषी थे यहां पर जिसमें से 117 से वसूली की जा चुकी है, जबकि 87 सरकारी कर्मिक से वसूली अभी बाकी है। उनसे सरकारी दर 27 रुपए की दर से उनसे वसूली की गई। अच्छा, इनको चिन्हित कैसे किया गया? चिन्हित उसमें लिस्ट भी थी जिसमें पोर्टल से उसमें आया था, उसमें से उसको देखकर चिन्हित किया गया। रसद विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही सरकारी कर्मिकों ने खाद्य सुरक्षा योजना से उठाए गए कुल गेहूं का भुगतान 27 रुपए की दर से नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मी सिंह, जी मीडिया, राजसमंद।